हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल सर्दियों के दिनों की शुरुआत हुई है। इतने दिनों तक हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी सी सर्दी बढ़ चुकी है। जो ठंडी रहती है वो बढ़ चुकी है। तो उस वजह से अगर आपके भी फूल जो हिबिसस के प्लांट्स है दोस्तों, अगर उनकी कलियाँ गिर रही है या अच्छे से बन नहीं रही, या फूलों की जो साइज़ होती है वो छोटी आ रही है, तो आपको क्या करना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो शेयर करते रहेगा। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यही प्रॉब्लम होती है। क्या होता है, अब विंटर सीजन अब स्टार्ट हो चुका है, तो इन दिनों में जो ग्रोथ होती है हमारे प्लांट्स की वो कम हो जाती है। तो उस वजह से कभी कभी क्या होता है, कलियाँ नहीं बन पाती, या अगर बन भी रही है तो वो गिर जाती है, और फूल भी इन दिनों में साइज़ उनकी छोटी हो जाती है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और होती है तो भी इतनी जिस तरह से हम समर में देखते हैं धूप, उतनी तेज़ धूप नहीं होती है। तो उस कारण जो हमारे फूलों की साइज़ देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी साइज़ बहुत बड़े रह जाए दोस्तों इसकी। लेकिन अभी फ़िलहाल सर्दियों के कारण और धूप इतनी तेज़ ना होने के कारण इसकी साइज़ छोटी हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको भी ऐसे ही प्रॉब्लम आप हिबिसस के फेस कर रहे हो तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको कौन कौन सी खाद देनी है, कब देनी है, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, इन दिनों में क्या होता है, पानी की ज़रूरत बहुत कम रहती है अपने प्लांट्स को। तो आपको देख कर ही देना है कि आपके प्लांट्स को ज़रूरत है या नहीं। और दोस्तों, कम भी पानी नहीं देना है आपको, सफिशेंट ही पानी देना है। लेकिन अगर जब आपको लगे कि आपकी जो मिट्टी है प्लांट्स की ये पूरी तरह से सूखी है, तो ही आपको पानी देना है, वरना मत दीजिए। क्योंकि इन दिनों में जो मॉइस्चर होता है एयर में वो ज़्यादा होता है, उस कारण प्लांट्स को पानी कम ही लगता है। और अगर हो सके आपके पास ज़्यादा धूप गिरती हो तो 4 से 5 घंटे की धूप कम से कम अपने प्लांट्स को दीजिएगा, ताकि इसकी जो कलियाँ है वो गिरे ना, और जो बन रही है वो ज़्यादा बने, और जो फ्लावरिंग है वो आपको मिलती रहे। और क्या होता है दोस्तों, कभी कभी एक आधा प्लांट आपका जो होता है वो उस पर फ्लावरिंग नहीं आती है, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, तो वो डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है दोस्तों प्लांट्स। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका डॉर्मेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और अभी फ़िलहाल ये 2 से 3 महीने आने वाले, इनमें फूल जो होते हैं वो कम ही आते हैं हिबिसस के। और अगर आपको कंटिन्यू फूल चाहिए तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो हमारा पूरा कंटिन्यू देखते रहेगा। दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसकी कलियाँ भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी कली है, और एक दो तीन, और यहाँ पे 4 देख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3, और ये 4 कलियाँ यहाँ पे है लगभग। और इसी तरह मेरे हर प्लांट हिबिसस के प्लांट के पास लगभग 5 से 6 कलियाँ पर प्लांट है ही दोस्तों, कम से कम। तो आपको भी अगर ऐसी कलियाँ चाहिए कम से कम डेली, तो आपको वही मैं बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्लावरिंग भी चालू है और कलियाँ भी चालू है, वैसे कंटिन्यू मुझे मिलती ही रहती है फ्लावरिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी दोस्तों, ये अभी तक पूरी तरह से खिला नहीं, इसकी साइज और बड़ी होती है। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि ठंडी के कारण थोड़ा सा इसकी साइज़ अभी कम ही आती है, कम ही खिल पाता है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रेड, मेरा फेवरेट कलर है दोस्तों। ये कलियाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कलियाँ भी है 3 4 5 6, यहाँ पे भी देख सकते हो आप कली, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि देखा सर दोस्तों आप सभी ने कि कलियाँ भी वो है चालू है मेरे प्लांट्स पर, हर लगभग हर प्लांट पर 5 से कम 6 कलियाँ है। तो आप भी इस प्रकार कलियाँ पा सकते हो, फूल भी पा सकते हो डेली। दोस्तों, अभी ये जो दिसंबर से फेब तक का पीरियड है, इनमें जो ग्रोथ होती है प्लांट की कम आती है दोस्तों, कम होती है फेब के बाद। जैसे सूरज की रोशनी बढ़ेगी तो उस हिसाब से अपने जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, और कलियाँ और फ्लावर दोनों ही बढ़ने लगेंगे। तो उस कारण अभी आपको इस 2 महीने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है प्लांट्स का, और मैं जैसे आपको टिप्स देता हूँ वैसे अगर फॉलो करोगे तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों, जब भी आप खाद दें, मैं जो आज खाद आपको बताने वाला हूँ देने के लिए, वो तभी दें जब आपकी प्लांट्स की जो मिट्टी हो सूखी हो,
जब आपने पानी डाला हो तब ये खाद ना दे, वरना इसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा आपको, ये आपको मैं बताना चाहूँगा, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ क्या खाद देना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक खाद लिया है, ये आपको अपने प्लांट्स को देना है। जब आपकी प्लांट्स जो प्लांट्स है उसकी मिट्टी सूखी हो तभी आपको ये देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये क्या क्या लिया है मैं आपको बता रहा हूँ। ये लिया है मैं दोस्तों ऑर्गेनिक पोटैश, जो आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनिक पोटैश 1 चम्मच। ये दोस्तों मैंने लिया है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये भी 1 चम्मच। मैग्नीशियम सल्फेट 1 चम्मच। और ये सीविड ग्रैनुल जो मिलते हैं दोस्तों वो भी मैंने ये लिया है 1 चम्मच। वैसे तो सीविड का लिक्विड फॉर्म में भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे प्रीफर कर रहा हूँ दोस्तों, और इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। सीविड का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी उसकी इतनी ज़रूरत नहीं लगती मुझे, तो फ़िलहाल ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। आप अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास काउ डंग हो तो काउ डंग भी ले सकते हो। ये मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है दोस्तों, तो इस प्रोपोर्शन में आपको लेना है और अपने प्लांट्स को देना है। अभी फ़िलहाल तो मैंने पानी दिया है आज ही, तो आज नहीं दूंगा मैं खाद। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि आपको किस प्रकार खाद देना है। और दोस्तों क्या होता है, सर्दी के दिनों में जो हमारे प्लांट्स की जो खाने की क्षमता होती है कम हो जाती है, तो उस वजह से उसे ज़्यादा खाद देने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर हो सके दोस्तों तो इन दिनों में ऑर्गेनिक ही अपने प्लांट्स को खाद दे, दूसरा केमिकल का कोई खाद ना दे, सिर्फ मैं ऑर्गेनिक खाद इस दिनों में प्रीफर करता हूँ। अगर और ये आपको 15 दिन में एक बार देना है दोस्तों। अगर आपको इसके इसके अलावा और कुछ खाद देना है अपने प्लांट्स को, तो आप DAP और मस्टर्ड केक भी दे सकते हो, उतना सफिशिएंट होगा। फिलहाल तो मैं इतना ही देने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप चाहे तो DAP और मस्टर्ड केक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप DAP और मस्टर्ड केक का इस्तेमाल करें तो समझिए दोस्तों, अगर अगर आपने आज ये दिया है तो उसके 10 दिनों के बाद ही आपको DAP और मस्टर्ड केक का इस्तेमाल करना है। 10 दिन से पहले आप उसका इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो शेयर करते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।